दोस्तों स्टडी मून में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 2018 के ऑप्शनल जिसका कोड होगा 09 हिंदी है और इसमें हम लोग 11 देख रहे हैं लेक्चर जिसमें भोगे हुए दिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये कहानी का सारांश हम लोग देखते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेहरुन्निसा परवेज इनके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मेहरुन्निसा परवेज द्वारा लिखा गया। लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी में एक शायर के जीवन का मार्मिक चित्रण है। किसके जीवन का मार्मिक चित्रण है? तो एक शायर के जीवन का मार्मिक चित्रण है भोगे हुए दिन में। उसमें मानव जीवन के अनेक पहलुओं को अत्यंत कुशल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जीवन के उतार चढ़ाव को इस कहानी में सफलतापूर्वक उखेरा गया है। लेखिका ने समाज के विसंगतियों एवं लोगों की मानसिकता का सशक्त एवं सजीव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि समाज में क्या बुराई फैली हुई है और लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में लिखती है मेहरुन्निसा परवेज इस कहानी में। अब देखिए, इस कहानी के लेखिका की विद्वता तथा समाज के अनछुए पहलुओं को उद्घटित करने की क्षमता को अपूर्व परिचय मिलता है कि कैसे समाज में बुराई फैली थी और किस तरह उसको सामने वो लाकर प्रकट की। देखिए, कहानी संदा साहेब नामक एक माने जाने प्रसिद्ध वयोवृद्ध शायर के मकान से प्रारंभ होती है। कौन से वृद्ध शायर के? तो ये संदा साहेब नामक। ठीक, शायर साहब समय की मार के साक्षी हैं। कभी वह महाकवि इकबाल के मित्र में थे तथा उनके साथ बड़े बड़े मुशायरों में सादर आमंत्रित किए जाते थे, किंतु वे अपूर्णतः अपेक्षित जीवन बिता रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी एक विधवा बेटी तथा एक नतनी का छोटा परिवार है। ये इनके परिवार है, एक उसमें उनकी विधवा पत्नी, एक विधवा बेटी तथा एक नाती एवं नतनी का छोटा परिवार है। ठीक, जीर्ण मकान के एकांतवास का जीवन, जीविकोपार्जन के लिए अपर्याप्त आमदनी तथा दयनीय स्थिति उनकी नियति बन गई है। बहुत ही खराब स्थिति से गुजर रहे हैं। सांदा साहेब के प्रशासक समीम जब दूसरे शहर से उनसे मिलने आते हैं तो उनकी प्रसिद्धि के विपरीत घर की स्थिति देखकर स्तंभ रह जाते हैं। जब उनसे मिलने आते हैं कौन? तो प्रशासक समीम। उनके घर के सामने एक पेड़ के नीचे उनकी जलावन की लकड़ी की दुकान है। उनकी बेटी एक उर्दू प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका है। उन्होंने सरकार की ओर से 100 रुपये पेंशन मिलती है। इन्हीं पैसे के घर का खर्च चलता है। जो ये संदा साहब हैं, ठीक, इन्हीं के जो बेटी है उन्हीं के जो पेंशन मिलता है 100 रुपया, इन्हीं के पैसे से घर चलता है। वर्तमान समाज की स्वार्थपरता तथा अपनी उपेक्षा के विषाद उनके उद्गारों से स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। उनकी व्यथा की झलक निम्नोक्त पंक्तियों में मिलती है। हम लोग, ये क्या पंक्ति लिखते हैं? हम लोग तो और नंगे हो गए बेटा, मैंने अपनी आंखों से 2 दौर देखे हैं। ये बोल रहे हैं हम लोग तो और भी नंगे हो गए, गरीब हो गए बेटा, हमने तो अपने 2 दौर देख लिए हैं। अपने स्वर्णिम अतीत को याद कर वे उद्विग्न हो जाते हैं क्योंकि अब वे अप्रासंगिक हो गए हैं। अब क्या है, उनसे कोई नहीं पूछ रहा है, उनको कोई आदर कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। समीम साहेब की उनकी नातनी सोफिया के प्रति असीम सहानुभूति है। उन्हें इस बात का दुख है कि 7 बरस वो लड़की विद्यालय पढ़ने नहीं जाती। 7 बरस की वो लड़की विद्यालय पढ़ने नहीं जाती। लड़की की दुकान पर बैठती है तथा घर का काम करती है। इस प्रकार संदा साहेब की पीड़ा समीम को उद्गीन कर देती है, जो उसके वहां से लौटते समय स्पष्ट झलकती है जब वो लौट रहे थे। तो इस कहानी द्वारा विदेशी कहानीकार ने मनुष्य की स्वार्थपरता का भी सफल चित्रण किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण संदा साहेब स्वयं है। किसी व्यक्ति का मान सम्मान एवं यश गान आज के युग में उसकी उपयोगिता कितना वो समाज में उपयोग्य है के आधार पर किया जाता है। कहानीकार अपने इस प्रयास में पूर्ण सफल हुए हैं, ये बताने में सफल हुए हैं कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, अगर आप कुछ जानते हैं, आपके पास है जो समाज को काम आ सकता है, आज के समाज को, तभी आप समाज में पैर जमा सकते हैं, तभी आप समाज में खुश रह सकते हैं, वरना आपको भी दुख से गुजरना पड़ता है। अब देखिए, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं इस सारांश से। ठीक, भोगे हुए दिन की लेखिका कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेहरुन्निसा परवेज है। मेहरुन्निसा परवेज का जन्म हुआ था तो 10 सितंबर 1944 में हुआ था। ठीक, 10 सितंबर 1944 में हुआ था। मेहरुन्निसा जन्म स्थान कहाँ था? तो मेहरुन्निसा का जन्म स्थान कहाँ था? तो मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा।
चरारे शरीफ में हिंसा के समय शांति मिशन के सांप्रदायिक सद्भाव यात्रा कहाँ गई? इनके जो चरारे शरीफ में हिंसा के समय हुए थे शांति मिशन के सांप्रदायिक के सद्भाव यात्रा कहाँ गई थी? तो ये कश्मीर गई थी, उसी समय सांप्रदायिक फैला था कश्मीर में, तो कश्मीर गई थी। 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सम्मान प्राप्त हुआ इनको, मेहरुन्निसा को? तो पद्मश्री, बहुत ही बड़ा सम्मान है, पद्मश्री प्राप्त हुआ इन्हें। मेहरुन्निसा की कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया था? जो त्रैमासिक पत्रिका था मेहरुन्निसा ने, समर लोक का प्रतिपादन किया था। तो ये इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। ये थे आज के सारांश से क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक 200 वाला जैसे कि आपने स्पेशल बैच नहीं ज्वाइन किया, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आपको व्हाट्सएप पर आपके PDF जाता है, मटेरियल जाता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएंगे, आपके ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका डेली सेट मिलेगा, दो कंपलसरी का सेट मिलेगा, हिंदी ग्रामर का नोट्स मिलेंगे, हिंदी ये जो भी पढ़ाया जा रहा है सारा ये मिलेगा। तो अगर नहीं ज्वाइन किए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने नाम, अपने गाँव का नाम, अपने ज़िले का नाम, और आपको इसका फ़ी होगा 200 रुपये, आपको PayTM के माध्यम से फ़ी देना होगा। यहाँ पर देखिए अभी भी टाइम है, अगर चाहते हैं तो अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं कि 80-85 क्वेश्चन कर कर आ जाए, ठीक। तो मैं इसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दे दूंगा, ठीक। तो ये था आज का, आज और आज एक और आएगा इसमें, और आज का ये जो ये वाला खंड होगा गद्यखंड, ये समाप्त हो जाएगा, गद्यखंड जो 11th क्लास का है वो खत्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।